जय जिनेंद्र। हेलो, कौन हो आप? मैं आपकी न्यू रूममेट हूँ। अच्छा, आप एक न्यू रूममेट हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता है। मेरा नाम सीमा है। चलो, आज से अपन फ्रेंड हैं। ओके। हेलो। हाँ सीमा, बोल। और कैसा है राज? बस बढ़िया हूँ मैं, तो कैसी है? मैं ठीक हूँ। तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबर है बता? मेरी न्यू रूममेट आई है। कैसी है वो? बहुत सुंदर है। तो फिर मिला उससे? ठीक है, कब मिलना है? आज शाम को मिलते हैं अपने पुराने अड्डे पे। ठीक है, चल मिलते हैं। नीता क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही हूँ। चल पढ़ाई छोड़, अपन पार्टी में चलते हैं। अरे नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे फ्रेंड की पार्टी है। अरे नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना है। चल पार्टी में चलते हैं। हाय। हाय। हेलो। हेलो। अच्छा, ये नीता है क्या? ओके, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अपन। ये लो कोल्ड ड्रिंक। नहीं, मैं नहीं लेती हूँ। अरे ले लो ले लो। मैं नहीं लेती हूँ। अरे सिर्फ नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ले लो। अरे चलो पार्टी करते हैं। हेलो सीमा। हाँ राज। अरे मुझे तेरी नई दोस्त नीता से मिलना है वापस। ठीक है, कब मिलना है? आज 3 बजे कॉफी में बुलाना उसको। ठीक है, मैं बुलाती हूँ उसको। ओके बाय बाय। ये लड़की तो पूरे दिन पढ़ती रहती है। चल पढ़ाई छोड़, अपन। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। घूमने चलते हैं। अरे नहीं, चल बाहर का दुनिया दिखाती हूँ तेरे को। हेलो। हाय। वेट, ड्रिंक, कॉफी बनाना। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरे को अर्जेंट काम आ गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरे को राज ड्रॉप कर देगा। राज, तू उसको ड्रॉप कर देना। यस। मुझे आपको जब से देखा है, मैं आपको, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? दोनों आपस में बातें करते करते और मिलती जुलती इस रिलेशनशिप को कब फ्रेंडशिप में बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता। नीता, मैं आज तुझे अपने दिल की बात बताने आया हूँ। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। आज मैं बहुत खुश हूँ। नीता, क्या तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे घर रहने के लिए आओगी? लिविंग रिलेशनशिप में? लिविंग में? अरे मुझे घर पे बात करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम आओ ना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इंतजार रहेगा आपका। जरूर आना। ओके। जरूर आना। आगे देखते हैं नीता अपने घर जाकर क्या माहौल क्रिएट करती है। कैसी है तू? मैं तो एकदम मस्त हूँ। अच्छा, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे यार, पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो आप तो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बेटा बोल। मेरी कॉलेज में ना एक फ्रेंड बन गया है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम राज है माँ। अच्छा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं माँ। ये क्या कह रही है नीता तू? तेरे को प्यार व्यार करने भेजा कि पढ़ाई करने भेजा? इन कैसे प्यार के चक्कर में पड़ गई तू? और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या आपको? अरे बेटा, तू मेरी बात समझ, पहले तू पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, फिर मैं तेरी शादी खुद उससे करूं। शादी? मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है। क्या शादी का डेट लग जाने से ही लाइफ अच्छी होती है? पर बेटा, बिना शादी के हम साथ कैसे रह सकते हैं? माँ, किस जमाने में रहती हो आप? आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। अरे बेटा, दुनिया वाले क्या सोचेंगे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
क्या होगा, मेरा रोज सारा बनेगा। परिवार का मजबूत स्तंभ होती है, पर जीवन में अनेक किरदारों को निभाते निभाते वह कई बार थक जाती है। फिर भी बिना किसी शिकायत के वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ही लेती है। रीता, रीता मेरा ग्राउंड बेल कहाँ यार? कोई भी चीज अभी जगह पे रहती नहीं है। करती क्या तुम दिन भर घर पे बैठ के? हटो, मैं देखती हूँ। ये रहे आपके ब्रांड, सामने तो रखे थे आप भी ना। हाँ ठीक है, ऑफिस जाने का टेंशन तुम्हें क्या पता, दिन भर तो घर पे बैठ के आराम करती हो। कभी मेरी पहचान अपने बाबा की डांस चैंपियन बेटी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी पहचान पे धूल बैठ चुकी है। मुझसे बहस करती है। ये खाना बनाया तूने, नमक का है इसमें, है नमक का है इसमें, रोज का हो गया। Yes, sir.
चाय आप क्यों लेके आए? सुनीता कहाँ है? बहू मायके चली गई बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बड़ी दुखी सी थी, तो मैंने कहा जाओ कुछ दिन माँ की सेवा कराओ। मैंने गाड़ी बुक करवा दी, अब तक तो पहुँच भी गई होगी। लेकिन अचानक ऐसे सब छोड़ के? बेटा तुम तो संडे को 11 बजे तक सोए रहते हो, इसलिए बहू ने जगह है नहीं, और 2 ही महीने की तो बात है। दो महीने? ये मेज तो बहुत पैसे मांग रही है आजकल। मैंने घरों को कहा भी मेज भेज दे, 12,000 मांग रहे बाबूजी। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे अभी पड़ोसियों की मेड मिली थी, मैंने उससे बात कर ली है, वो 8,000 में लंच और डिनर दोनों तैयार कर देगी। और मेरा ब्रेकफास्ट और ऑफिस का टिफिन? तो उसको फिर 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेटा। और हाँ, वो कह रही थी कि उसकी कोई जानने वाली मेड है, वो झाड़ू पोछा भी कर देगी। वो कितना लेगी बाबू? 3,000 बोल रही है बेटा। 3,000 रुपए झाड़ू और पोछे के बाबू जी? बेटा मेहनत का काम है और टाइम भी लगता है। और हाँ बेटा, वो कपड़े तो हम मशीन में धो लेंगे, लेकिन वो प्रेस करने के लिए किसी धोबी से बात कर लेना। बाबू जी ये सब तो ज्यादा हो रहा है, मेरी सैलरी का 1/3 तो इन सब काम वालों को देने में निकल जाएगा। घर में इतने काम होते हैं, सुनीता ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। वाह बेटा, खर्चे की बात आई तो सुनीता की याद आ गई। आप सच कह रहे बाबू जी, सुनीता कितना काम करती है, सबका ख्याल रखती है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। तुम जो बहू से इतने तिरस्कार से बात करते हो, शी इज जस्ट हाउसवाइफ, कुछ काम नहीं करती। बड़ा दुख होता है बेटा, हाउसवाइफ होना कोई हीनता की बात नहीं होती बेटा। एक हाउसवाइफ एक घर की आत्मा होती है, जो घर के कोने कोने में बसती है। समझ में आई बात? पता नहीं मुझसे इतनी गलतियां क्यों होती हैं, और हर बार मैं कोई ना कोई गलती करके तुम्हारा दिल दुखा देता हूँ। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो प्लीज माफ कर दो ना मुझे। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अब क्या छोड़ दोगी मुझे? प्लीज मुझे इस बार भी माफ कर दो ना, जैसे तुम हर बार कर देती हो। मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लड़का होना भी आसान नहीं है। लड़कियां रो सकती हैं, पर लड़के नहीं रो सकते। लड़कियां नहीं कमाएगी एक बार तो चलेगा, पर लड़कों को कमाना पड़ेगा। लड़कियां लड़कों को 2 थप्पड़ मार सकती हैं, अगर लड़के मारे तो सीधा जेल। आज तक हमें यही सिखाया गया है कि सेव द गर्ल्स, बट नाउ टाइम इज टोटली चेंज, सेव द बॉयज, रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स। एक कंधे तरबूज बहुत दिखता है, फीका फीका सा चेहरा और आंखों में तेज बहुत दिखता है, कंधा मजबूत और दिल नाजुक सा लिए फिरता है, सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरता है, कभी माँ का लाडला तो कभी जोरू का गुलाम कहलाता है। ये मर्द बेवजह चक्की में पीसा जाता है, दिल इनका भी मोम का है, बस ये जरा पत्थर दिल बन कर रहते हैं। फिक्र इन्हें फिर भी अपनी होती नहीं है, निकल पड़ते हैं कमाने अपने हिस्से का आराम, जो इन्हें कभी वापस मिलता ही नहीं है। और एक आखिरी बात, एक जिस्म में कई किरदार निभाते हैं, कभी भाई कभी पिता तो कभी हमसफर कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिम्मेदारी की बेड़ियों में गैर जिम्मेदार इंसान का चोला पहने नजर आते हैं।
बेटा है, पति है, भाई है, अब विश्वास की वो परछाई है। वह नारी जो सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करते करते परिवार के लिए अपनी हर इच्छा को मार देती है, और वह पुरुष जो परिवार की हर जिम्मेदारी को पूरा करते करते अपने हर ख्वाब को जला देता है, साबित करते हैं ये दोनों की नारी नारी ही है और पुरुष पुरुष ही है। जय जिनेंद्र, बढ़ती माँ बाप से दूरी, शिक्षा की अधिकता या संस्कार की कमी। आजकल की माँ बच्चे को टीचर के पास छोड़ देती है। हेलो 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 जय जिनेंद्र, बढ़ती माँ बाप से दूरी, शिक्षा की अधिकता या संस्कार की कमी। आजकल की माँ बच्चे को बेबी सीटर के पास छोड़ देती है क्योंकि उसे करियर प्यारा है। बच्चा भी बड़ा होकर माँ को नौकर के पास छोड़ देता है क्योंकि बच्चे को भी करियर प्यारा है। आखिर माँ के ही संस्कार है, आखिर माँ के ही संस्कार है। तो चलते हैं आजकल के युग, इस नए दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे सब माँ बाप से दूर हो रहे हैं। कारण शिक्षा की अधिकता या संस्कार की कमी। परिवार का दृश्य चल रहा है। मनीष, ओ मनीष, कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी, वृद्धाश्रम में खाना खिलाने चलना है। मनीष, कहाँ हो तुम? यस यस, आई एम रेडी। चलो हेलो, पाए लागू बड़ी मेम साहब। हाँ, बात कराती हूँ मेम साहब। मेम साहब, बड़ी मेम साहब का गांव से फोन आया है। ओहो, ये माँ जी खुद तो फ्री है और सबको फ्री समझ रखा है, जब देखे जब फोन करके परेशान करती है। ओहो डार्लिंग, तुम मूड ऑफ मत करो, चलो अपन चलते हैं। गंगू भाई को बोल देंगे कि माँ से बोल के बाद में बात कर लेंगे। दोनों वृद्धाश्रम में खाना खिलाने चले जाते हैं। हे भगवान, कैसा जमाना आया है। गांव में तो पिताजी बीमार है और वृद्धाश्रम में खाना खिलाने जा रहे हैं। भगवान। मनीष और दिशा घर लौटते हैं। ओहो मनीष, तुम्हें पता है कल पूरी सोसाइटी वाले जलने वाले। जले भी क्यों ना, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो अपना फोटो आएगा। आए भी क्यों ना, 10 लाख का जो डोनेशन दिया है, 10 लाख का। ओहो डार्लिंग, तुम और तुम्हारा शो ऑफ, दान का भी क्या दिखावा करना। चलो मैं ऑफिस निकलता हूँ, बाय। तभी माँ का फोन बजता है। अरे माँ का फोन, बाद में बात करता हूँ, पहले सारी मीटिंग्स कर लेता हूँ। मनीष की माँ के फोन पे फोन आते हैं और वो फोन स्विच, 3-4 घंटे बाद स्विच ऑन करते ही माँ का फोन आता है। हेलो। हाँ माँ, क्या बार बार परेशान कर रहे हो, मेरी मीटिंग में बिजी था, बार बार फोन किए जा रहे हो। नहीं है बेटा, डॉक्टर ने कहा है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा बेटा, तो बेटा जो आ रहा है ना बेटा लेने। अरे माँ, आप भी क्या परेशान कर रहे हो, मैं कितना बिजी हूँ और कल मेरी फॉरेन वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है, मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ। बेटा सुनना, अच्छा अच्छा, रो मत, मैं कल ड्राइवर को भेज दूंगा, ठीक है। ड्राइवर गांव से माँ बाप दोनों को लेकर आता है और पिता को हॉस्पिटल एडमिट करा देता है। माँ बहुत टेंशन में है, रो रही है, बेटे का इंतजार करती है। हे भगवान, हम
हमने कभी नहीं सोचा हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जिस बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया इतना ऊंचा अफसर बनाया वो ही हमसे दूर हो जाएगा उसे हम खो देंगे एक दिन हे भगवान अब हम बुढ़ापे में क्या करेंगे भगवान। देखिए आगे घर का नजारा गंगूबाई ओ गंगूबाई गंगूबाई मैं किटी में जा रही हूँ जी मिलता दुगू स्कूल से आए आते ही उसे ना डांस क्लास गिटार क्लास दे देना घर पे रोकना मत मैम दुगू बाबा का खाना वो बोल रहे थे उन्हें बर्थडे पार्टी में जाना है क्या तुम दिन भर खाना खाना करती रहती हो पैक कर देना गाड़ी में ही खा लेगा जी कितनी बार मना किया इन लोअर क्लास लोगों की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना मना कर देना उसे जी मैम भूख लग रही है चल मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी किटी पार्टी में घुमाने भी लेके जाऊंगी तुझे मैं किटी पार्टी में दिशा कुत्ते को लेकर चली जाती है माय बेबी माय बेबी ये मेरी सबकी ना टुकु बाबा की मां कुत्ते की मां लग रही है कुत्ते की मां उधर मनीष के ऑफिस में कॉलेज से फोन आता है कि डुबू फेल हो गया है मनीष को प्रिंसिपल बहुत सुनाते हैं तो वह गुस्से में लाल पीला हो जाता है और घर आता है दिशा दिशा मैं तुम्हारा लाडला आज मेरी नाक कटा दी उसने ओहो शेट टैप यार गमाती चिल्ला रहे हो कितनी बार मना किया ऐसे चिल्लाया मत करो तुम्हें पता ना इतना किट्टी में गई थी और वहाँ की हाई क्लास सोसाइटी में कैसे सब चलता है ये तुम्हारी जो किट्टी पार्टी है ना इसी का नतीजा है कि आज अपना बेटा फेल हो गया फेल तभी हो गया हाँ हाँ तभी फोन की घंटी बज हेलो सुनकर मनीष घबरा जाता है उसे देख कर दिशा भी घबरा जाती है दोनों भाग कर बाहर जाते हैं और बेटे को देख कर डर जाते हैं क्योंकि डुबू ड्रग्स के नशे में चूर होता है उसे देख कर दोनों पति पत्नी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है क्या हालत कर दी तुमने मेरे बेटे की तुमको पता है मेरी माँ ने देखो मुझे कितना काबिल बनाया क्या पोजीशन है मेरी और तुमने क्या हालत कर दी पोजीशन ऐसी पोजीशन बनाई है तुम्हारी जो मरते वक्त अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकता ऐसा लायक बनाया तुमने और मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार Thank you.
साथ हो, वो हर दम साथ हो, जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो, वो हर दम साथ हो, वही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे, उनका हाथ हो, वो हर दम साथ हो, मेरे प्राण हो, वो हर दम साथ हो। पाए तेरे दर्शन गुरुवर, चरणों का हमें प्यार मिले, आपकी छाया में है गुरुवर, हमें सब संतों का सार मिले, पूर्व जन्म के पुण्य खिले, जो पाई आपकी करुणा है, पामर से परम तक जाने का गुरुवर हमको आधार मिले, गुरुवर हमको आधार मिले। अति विनय जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन, काकोली चंदन वाला बहुमंडल के द्वारा एक लघु कुंडिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसका शीर्षक है आज के जीवन की जागी। देखिए प्रथम दृश्य। अरे मम्मी मैं इतनी रात आ रही हूँ। अरे हाँ बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा छत पर टहल लूँ। अरे बेटा तुम दोनों बैठो, मैं जाती हूँ। ओके मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। देखा कहीं भी मूड आगे चली आती है, कभी प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं, मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे डार्लिंग तुम चिंता मत करो, पापा के जाने के बाद मम्मी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब क्या हो गई है, डिस्टर्ब तो हमारी लाइफ लाइन करके रखा है, कभी ये चाय चाहिए इनको, कभी पानी चाहिए, कभी ये दवाई भूल जाती है तो कहीं चश्मा रख के भूल जाती है, 2400 घंटे इनकी सेवा में लगे रहो। अरे फ्रीडम नाम की कोई चीज है या नहीं, बाहर जाओ ये 36 सवाल करने लगती है, घर में कोई गलती से आ जाता है CBI की तरफ पीछे पड़ जाती है। अरे फ्रीडम नाम की कोई चीज है या नहीं। डोंट वरी दर्शना, तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। करना क्या है, भेज दो, इनके उम्र की औरतों के साथ रहेगी इन्हें भी अच्छा लगेगा और इनसे हमारा पीछा भी छूटेगा। आखिर ये कब तक हमारे घर में हमारे साथ रहेगी। गाँव मम्मी को प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है मैं बात करता हूँ। ओके बेटा और बहू की बातें सासू माँ सुन लेती है और सुनने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। देखिए आगे का दृश्य। मम्मी ओ मम्मी, मम्मी हाँ बेटा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ आपको, अच्छा हुआ बेटा आप दोनों यहीं आ गए। ये लो बेटा गोवा की टिकट। मम्मी इसकी क्या जरूरत थी। अरे बेटा तुम्हारी शादी के फौरन बाद तुम्हारे पिताजी चल बसे और घर की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर आ गई और तुम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने भी नहीं गए, सोचा मैं तुम्हें ये गिफ्ट ही दे दूं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा। अरे बेटा आप लोगों को भी मुझसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ हाँ मम्मी। नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात हम आगे करेंगे। ओके बेटा। पता है गोवा में चौदह चौदह बीच है, क्या बात कर रही हो डार्लिंग। अरे मंजू और कैसी है तू? अरे तरुणा मैं तो ठीक हूँ।
से? अरे मंजू क्या बताऊं, घर की बातें बाहर कैसे करूं? क्या हुआ मुझे कुछ बताओ। अरे मेरे बेटे बहू मुझसे फ्रीडम चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। हाँ मैं सहेली से वार्तालाप के बाद माँ बेटे और बहू को कैसे सबक सिखाती की तैयारी करती है और इधर बेटा और बहू भी गोवा से घूमकर वापस घर आते हैं। देखिए आगे का दृश्य। अरे साथी कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? अरे भाई ये हमारा ही मकान है, हमें किसी से मिलना नहीं है। ये आपका मकान नहीं है, ये पिछले 5 साल बिक चुका है। बिक चुका किसने, कैसे, कब? ये मुझे पता नहीं है, मेरे मालिक ने इसको खरीदा है। ओह अभी मैं मम्मा से बात करता हूँ। हेलो। अरे साहब जी दूर रह के बात करो, मेरे मालिक देखेंगे गुस्सा करेंगे। अरे मम्मा ने किस बेवकूफ को खड़ा कर दिया है। हेलो मम्मा। हाँ बेटा। अरे ये बाहर कौन है? अरे बेटा तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रचना किस मूर्ख को खड़ा कर दिया? अरे ये सड़ू नाम का कौन है? अरे लो बेटा ये आपके नए घर की चाबी। अरे इधर क्या है मम्मा? अरे मैंने आप लोगों के लिए एक किराए का घर लिया है और उसका 3 महीने का भाड़ा भी मैंने भर दिया है। अब तुम दोनों वहीं रहोगे और तुम सफर से आए हो, थोड़ा थके हुए हो, आराम कर लो जाकर। किराए का मतलब हम तो आप कहाँ रहेगी? अरे बेटा मैंने पास ही गली में पास में ही एक छोटा बंगला लिया है। बंगला छोटा है पर मेरे लिए काफी है। अरे मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती है? आनंद तो आपका इकलौता बेटा है और मैंने आपकी कितनी सेवा की है, भूल गई आप? सेवा? और तुमने मेरी सेवा सात समझ कर नहीं की है, तुमने मेरी सेवा एक भूल समझ कर की है। और आनंद ये तो मेरा इकलौता पुत्र है जिसने मुझे बाहर निकालने की तैयारी कर ली। सॉरी मम्मा मुझसे गलती हो गई। और बेटा आज से तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल आजाद हो, जो तुम्हारा मन हो वो करो, जैसे तुम्हें रहना हो वैसे रहो। और एक बात और बेटा आनंद, अगर तुमको मुझसे मिलने की कभी भी इच्छा हो तो माँ के पास आ जाना पर कॉल करके आना। क्या है मैं मिलूं या नहीं मिलूं? मैंने भी अपनी सहेलियों का एक ग्रुप बनाया है और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग करूंगी। ओहो मम्मी जी इतने बड़े बड़े भाषण के अनुपमा सीरियल देख के सीखे हैं? हाँ बेटा। वाह। और एक बात बेटा, तुम मेरे साथ रहते थे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती थी। और ये जो मकान है वो तुम्हारे पापा का था जो मैंने बेचा है। अब तुम अपने घर में सुखी सुखी रहो, मैं अपने घर में रहूंगी आराम से, ध्यान रखना बेटा। सॉरी मम्मा गलती हो गई हमसे, हमको छोड़ के मत जाओ। और एक बात मैं मंच से कहना चाहूंगी, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बच्चे कभी माँ बाप को नहीं, बच्चे कभी माँ बाप को नहीं। बेटा और बहू नजरें झुकाकर खड़े रहते हैं, गलती करके बेटा और बहू अब क्यों रोते हो? याद रखो माँ बाप तो आखिर माँ बाप होते हैं, माँ बाप के साथ रहने से और उनके पास बैठने से दो फायदे होते हैं। आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। हर बात को भूलो मगर माँ
कार्यक्रम संभव ही नहीं था। अध्यक्ष जी भाई साहब सम्मान चलने दो, कार्यक्रम शुरू करा दो। एक एक साथ ही बुलाना चाहूंगा आज की नवकारजी का लाभार्थी परिवार, सूरज भाई जी, सुगन भाई जी, जिनकी प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। ऐसे परिवार के दानवीर सेठ जिनको कह सकते हैं, रतनलाल, अरे जीतू जी को अलग देना, तीन तीन देना भैया तीन, रतनलाल जी साहब, दौलत होमा जी साहब, सुभाष चंद्र जी साहब, पोखरना और पोखरना परिवार। स्वागत है आपका एक ऐसे युग में जहाँ एक सेल्फी के चक्कर में लोग अपने जान गवा सकते हैं। स्वागत है आपका मेवाड़ के 27वें महिला अधिवेशन में जिसका नाम है संगम। स्वागत है आपका इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एक बटन दबाते ही सारी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। और हाँ, स्वागत है आपका एक ऐसे युग में जहाँ एक सेल्फी के चक्कर में लोग अपने जान गवा सकते हैं। मैं हूँ डिजिटल साम्राज्य का राजा इंटरनेट, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये है मेरे हथियार। कैसे लोग अपने भविष्य को कर रहे हैं मेरे हाथ, चलिए देखिए हम सब साथ, चलिए देखिए हम सब साथ। बधाई हो आपको लड़की हुई। ओ वाओ, क्या मैं अपनी बच्ची की फोटो ले सकता हूँ? क्या मेरे घर आई एक नन्ही परी, हैशटैग लक्ष्मी, हैशटैग प्रिंसेस। देखा आपने, जो समय था देखभाल और स्नेह का, वो भी फोटो और वीडियो के चक्कर में गवाया आपने मेरे आने के बाद। बिना कहानी सुने तो ये सोती ही नहीं। ओ बहू, इसे धार्मिक कहानियां सुनाओ, लफा मत सुनाओ, मोबाइल देना अच्छी बात नहीं है। ओ मम्मी जी, आप किस जमाने की बात कर रही हो? तो देखो आपने, जो समय था भावनाओं को समझने का, रिश्तों को मजबूत करने का, वो भी ना रहा आपका मेरे आने के बाद। मम्मा मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं बेटा, मुझे काम है। प्लीज मम्मा खेलो ना। जाओ बेटा, मोबाइल पे गेम खेलो, मुझे परेशान मत करो। लाओ दिखाओ। लो देखो मम्मा। हे भगवान, मेरे सारे पैसे कहाँ गए? ये क्या किया तुमने? देखा आपने, जो समय था बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का, मौज मस्ती का, वो तो खोया ही खोया, साथ खोया अपना संचित धन। ये है मेरी माया जिसमें फंसी सारी काया। मम्मा कल मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ा दो ना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरी लंदन वाली फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, तुम अपने पापा से कहो। पापा पढ़ा दो ना। मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम ऑनलाइन पढ़ लो। प्लीज पापा आप पढ़ा दो ना, आप कहाँ ऑफिस का काम कर रहे हो, आप तो फेसबुक चला रहे हो। ज्यादा मत बोलो, जितना कहा है उतना ही करो। जो समय था बच्चों की जिज्ञासा शांत कर उन्हें सही और गलत बताने का, वो भी आपने ना दिया उनको मेरे आने के बाद। बेटा मेरा इंस्टाग्राम पे, बहू मेरी व्हाट्सएप पे, पोती से तो फेसबुक छूटती नहीं, मेरे लिए किसी के पास समय नहीं। ये सवाल तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, जब तक मैडम नहीं आ जाती मैं इंस्टाग्राम चला लेती हूँ। ओह ये क्या, किसी ने मेरी फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल दी, यह तो बहुत डरावना और अपमानजनक है। मम्मी पापा ये देखो किसने किया, मुझे नहीं पता, मैं पोस्ट कर दिया। ये क्या है, क्या लोग ऐसी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं? इससे तो कई जिंदगियां तो नाश होगा, हमें तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
मेरा उपयोग करते समय जागरूक रहें, ऑनलाइन हिंसा से सुरक्षित रहें। क्या हुआ तुझे? माँ जी आप रुको, मैं देखती हूँ क्या हुआ। तुम आओ यहाँ बैठो, पानी पियो और बताओ क्या हुआ। क्या बताऊँ, मेरी बेटी की गलत फोटोज किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जब बच्चों को नौकर मंत्र सुनाना चाहिए था तब तुमने यूट्यूब पर स्टोरी सुनाई। जब बच्चों को समय देना चाहिए था तब तुमने गेम थमा दिया। जब बारी आई सही गलत समझाने की तब तुमने गूगल पकड़ा दिया। सही कहा तुमने, मेरी भी गलती है, मैं अपनी बच्ची को समय ना दे सकी। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को टेक्नोलॉजी देना गलत है, पर गलत समय पर सही ज्ञान देना भी गलत ही होता है। छोटी उम्र में मोबाइल देने से बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो सकता है, बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं और हिंसा करना भी उनके लिए बहुत बड़ी। तुम सही कह रही हो, मैं अब अधिक से अधिक समय अपनी बच्ची के साथ बिताऊंगी। आजकल हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। जब वो छोटे थे तब हमने सोशल मीडिया का यूज किया तो वो भी वही कर रहे हैं। इसलिए बच्चों की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हम उन्हें शुरू से सही संस्कार नहीं दे पाए। इंटरनेट का सदुपयोग है एक वरदान और इसका दुरुपयोग है अभिशाप। जय जी ने। सामने एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हमारी जीवन शैली पे आधारित है। आइए देखते हैं इस घर की कहानी। विनणी ओ विनणी, खानो मणियो कि मणियो, मारे रात्र सोगन ने। अरे यार, ये मम्मी जी तो दिन भर ही परेशान करते रहते हैं, अभी तो खाना खाया था, अब वापस करना है। ओ यार शिश, आज तो हमें बैठे बैठे जाना था, क्या करूँ खाने का। बना दो ना यार, खाना बनाने में क्या टाइम लग रहा है। इधर मम्मी जी परेशान कर रहे हैं, इधर आप, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप ही बना लो खाना, हम तो चले पार्टी में। आप भी चलिए हमारे साथ पार्टी में। नहीं, मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं आ रहा हूँ। पूरे दिन बाहर घूमते रहते हो, रोज रोज बाहर का खाना खाते हो, मैं और मेरी माँ दोनों घर पर ही बनाकर खा लेंगे। जैसे आपकी मर्जी, हम तो चले भाई एंजॉय करने। परेशान मत भी बेटा, आप तो बने खाई ले, अंडे तो आवानू खबर नहीं पड़ी रही है, रोज रोज बालो खानो खावे, बालो खानो कचरो नुकसान करे, थोड़ा दिन पचे खबर पड़ी अंडे तो। मम्मा मम्मा चाइनीज फास्ट फूड। हाँ चलते हैं बेटा, चलो। हेलो मैम, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर सैंडविच क्या लेगा बिट्टू? मामा मुझे पास्ता खाना है। ओके बेटा, भैया पास्ता मंगा दीजिए, फुल चीज़ वाला, की मजा ही आ जाए। ओके मैम, ऐसा पास्ता बनूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भैया। साली खा खा के मोटी हो रही, और केरी पास्ता बना देना। लीजिए मैम आपका पास्ता। मम्मा कितना यम्मी पास्ता बना है। दिखा बेटा, मैं भी खा के देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या पास्ता बनाया भैया, मजा ही आ गया। थैंक यू मैम। मैम माय विजिटिंग कार्ड, हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा मैम। जी भैया बिल्कुल। चलो बेटी मजा आ गया। मम्मा मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। मम्मा मेरा
ठीक है भी चेक करता हूँ। पापा पेट में बहुत जोर से दर्द कर रहा है। बेटा लेटिए। क्या करूँ? बेटा जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, देखिए आपके बेटे के फैटी लिवर हो रहा है और इनकी आंखों में स्वेलिंग आ चुकी है। आपको बहुत जल्दी इनका जंक फूड बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिलहाल ये टैबलेट है उसे दे देना। ओके डॉक्टर साहब। चलो बेटा, बेटा कितनी बार बोला है मैंने बाहर का नहीं खाना नहीं खाना, पर मानता ही नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान रखना और बाहर का कुछ मत खाना। पापा आपसे ध्यान रखूंगा। कुछ दिनों बाद का दृश्य माँ। हाँ बेटा माँ, अपन काशी में चलते हैं, वहाँ गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब का भव्य चतुर्मासी। हाँ वहाँ पर अपन दर्शन करने के लिए चलते हैं। हाँ चलते हैं बेटा। लीजिए मम्मी जी चाय पी लीजिए। पिनड़ी तू चाले भी महाराज साहब का दर्शन करवा? नहीं नहीं मैं तो नहीं आ रही हूँ, वैसे भी प्रवचन है, मुझे तो बहुत नींद आती है। पर खाने में क्या होगा? खाना में कहीं भी दाल चावल रोटी सब्जी और कहीं भी खाना में। नहीं नहीं बाबा मैं तो नहीं आ रही हूँ, घास फूस खाने आप ही जाओ। अंडे तो पूरे दिन दाल खाई दो, बाल उठाना पत्थरों नुकसान करे, अब आज खबर नहीं पड़ी है, थोड़ा दिन सच्चे खबर थोड़ी है। बिट्टू बिट्टू जल्दी आ बिट्टू। देख बिट्टू जल्दी से दादी और पापा चले गए क्या? हाँ देख क्या। हाँ हाँ मम्मा गए दादी और पापा। तो बिट्टू अरे यार आज खाना बनाने का मूड नहीं रहता है, मैं सोच रही हूँ कि ना आज मैगी ऑर्डर कर दे। तू ऑर्डर करेगा मैगी? हाँ हाँ मम्मा मैगी कर देता हूँ। ठीक है बेटा। रिंग 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 रिंग। हेलो हेलो चाइनीज फास्ट फूड से? यस भैया दो फुल चीज वाली मैगी पार्सल कर दीजिए। ठीक है मैं ठीक है सर, आपके घर का एड्रेस एसएमएस कर देना होगा। ओके सर सही करता हूँ। बिट्टू देख तो पार्सल आ गया होगा, जल्दी लेकर आ जाओ। अभी देख लो मम्मा पैसे जल्दी लेकर आना। लीजिए सर आपका पार्सल। थैंक यू भैया। थैंक यू। मम्मा मैगी आ गई, चलो खा लेते नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जल्दी ला यार भूख लग रही है बहुत तेज मुझे, तुझे पता ही मुझे भूख सहन भी नहीं होती है। अच्छी यार बिट्टू मजा आ गया। बिट्टू बिट्टू क्या हो बेटा? देखो क्या हो मेरे पापा को फोन लगाती हूं मैं। बिट्टू बिट्टू आपके बेटे को नहीं बचा पाए। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।